हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, यह जैसा कि आपका बिहार या स्टेट फिजिकल एजुकेशन पेपर वन का एग्ज़ाम कल है एंड आपके पास टाइम बहुत कम है एंड ये मॉडल प्रैक्टिस सेट पांचवा है। इससे पहले मैं 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुकी हूँ, 10 प्रैक्टिस सेट पुराने की कोशिश करूँगी, जिसमें आपका 100-100 क्वेश्चन रहेगा, 1000 क्वेश्चन हो जाएगा, आप निश्चित रूप से पास हो जाएंगे 10 प्रैक्टिस सेट देख लेंगे। तो दोस्तों, समय नहीं है तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ। इससे पहले आप 4 जो अपलोड हो चुका है उसको भी देख लीजिए। तो क्वेश्चन है, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी विषयों की पहचान की गई है? तो 11 विषयों की। केवल आंसर देती जाऊँगी, एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है, टाइम नहीं है। नेक्स्ट है, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर, मध्य प्रदेश में, जिसकी स्थापना 1957 में हुआ था। नेक्स्ट है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। यह बात किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सी मांसपेशी कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी है? वो है लैटिमस डोर्सी, जिसे रोइंग या स्विमिंग मसल्स भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1984 को हुआ था। नेक्स्ट है, सारी शिक्षा का ध्येय यानी उद्देश्य है तो मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑपरेशन ओलंपिक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सेना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में ओलंपिक शुभंकर की प्रथा कब शुरू हुई? तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, सभी रॉन्ग ऑप्शन है। दोस्तों, ओलंपिक शुभंकर की शुरुआत 1968 मेक्सिको सिटी में हुआ था, जिसका पहला था पालोमा कबूतर, लेकिन आधिकारिक रूप से शुभंकर की शुरुआत हुआ 1972 म्यूनिक पश्चिमी जर्मनी में, जिसका शुभंकर था वाल्दी, एक शिकारी कुत्ता। इसके साथ साथ आपको पूछ सकता है 2020 टोक्यो जापान ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो मिराई तोवा था, याद रखिएगा। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हेतु सबसे आवश्यक कार्य क्या है? तो समाज की जागरूकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लंबी दूरी की दौड़ में धावकों द्वारा पूरे किए गए चक्रों का रिकॉर्ड कौन रखता है? तो लैप स्कोरर रखता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को लड़के लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन पोजेस्ट्रॉन के कार्य हैं? पोजेस्ट्रॉन स्त्रियों में पोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन पाया जाता है एंड पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन पाया जाता है। तो पोजेस्ट्रॉन का क्या कार्य है? तो यहाँ पे एस्ट्रोजन उत्पादन में अवरोध, LH यानी ल्यूटेनजिंग हार्मोन्स एंड LFSH उत्पादन में अवरोध, एंड्रोमेट्रियम के स्त्रावी चरण की शुरुआत, ये सभी आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सामान्यतः 28 दिनों के मासिक धर्म चक्र में आप LH यानी ल्यूटेनजिंग हार्मोन्स वृद्धि कब होने की उम्मीद करेंगी? तो इसका सही जवाब है 11 से 13 दिन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब बेबी का तात्पर्य निम्न में से किस तकनीक से है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी का तात्पर्य यहाँ पे निम्न में से किस तकनीक से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, IVF से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गर्भ निरोधक का एक व्यापक रूप से स्वीकृत तरीका क्या है? तो महिला नसबंदी। क्या है? महिला नसबंदी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल गेंद का अधिकतम भार कितना होता है? दोस्तों 650 ग्राम होता है। एंड नेक्स्ट है कि खो खो मैच की व्यवस्था के लिए अंपायर कितने होते हैं? 2 अंपायर होते हैं।
नेक्स्ट है अनिमिया यानी रक्त की कमी का मुख्य घटक कौन सा होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो हमारे शरीर में रक्त की भी कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में रक्त की कमी यानी अनिमिया जैसा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वह होता है तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट स्वाइन फ्लू एक रोग है जिसका प्रमुख कारण क्या है, तो H1N1 वायरस है, कौन सा है H1N1 वायरस है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक का उद्देश्य तीन लैटिन शब्दों यानी मोटो है क्या है, सीटियस अल्टियस फोर्टियस, जिसमें से अल्टियस का क्या अर्थ है, तो सीटियस अल्टियस फोर्टियस और तेज और ऊंचा और बलशाली, तो अल्टियस का अर्थ होगा और ऊंचा, ठीक है। एक चौथा शब्द भी जुड़ा हुआ है कम्युनिटर, जिसका अर्थ होता है टुगेदर एक साथ चलना, याद रखिएगा। नेक्स्ट एक धावक धावन पथ में एक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, तो 1.22 मीटर होती है, याद रखिएगा। ये 72 है, 73वां क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ है आपका 73 क्वेश्चन। जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जान बर्नार्ड बेसडोरे जिस स्कूल की स्थापना की थी उसका क्या नाम था, दोस्तों फिलेंथ्रोपियम नाम था, और जान बर्नार्ड बेसडोरे को जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट डायनेमोमीटर यंत्र किसी व्यक्ति की शक्ति मापने का कार्य करता है, इस यंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। डायनेमोमीटर को से शक्ति मापा जाता है, सबसे पहले अमेरिका में मापा गया। नेक्स्ट है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शर्करा को यानी कि ग्लूकोज को नियंत्रित करती है, तो वो होता है पैंक्रियाज ग्रंथि, जिसमें से स्रावित जिसके बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है जो शर्करा को नियंत्रित करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी कमी से इंसुलिन की कमी से डायबिटीज यानी मधुमेह हो जाता है। नेक्स्ट है ओलंपिक उद्घाटन के मार्च पास्ट के समय सबसे आगे कौन सा देश होता है, तो आप सबको पता है सबसे आगे ग्रीस यानी यूनान होता है, सबसे पीछे मेजबान देश होता है, बीच में और सभी देश अल्फाबेट के अनुसार होते हैं। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों की अवधि कितने दिनों की होती है, तो 16 दिनों की होती है, यह शुरुआत 16 जनवरी 1928 से शुरू हुआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों खेल क्रीड़ाओं से बल गति संतुलन के कौशल नैतिकता और संवेगों पर व्यक्ति नियंत्रण करता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है रूसो का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि टैलिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो लार में पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में बदलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे, तो 776 ईसा पूर्व में यूनान के ओलंपिया शहर में शुरू हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81 क्वेश्चन कहाँ पे है, यहाँ पे 81 क्वेश्चन है कि पुरुष वर्ग के भाला प्रक्षेपण हेतु भाला की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, तो 260 से 270 होती है, पुरुष की भाला की लंबाई 260 से 270 मीटर, अब महिला की 220 से 230 मीटर, तो 260 से 270 मीटर होता था, अधिकतम पूछा था 270 आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति की शुरुआत किस सन में हुआ था, तो वो 1970-71 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल कूद की सभी गतिविधियों के लिए बुनियादी घटक कौन सा है, तो वो होता है मांसपेशीय गति। नेक्स्ट है महिला वर्ग में 100 मीटर बाधा दौड़ का कीर्तिमान स्थापित करने वाली भारतीय महिला कौन है, तो वो है आपका अनुराधा बिस्वाल बट वर्तमान में 2023 में ज्योति याराजी उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गोनियोमीटर क्या मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो लचीलापन मापा जाता है गोनियोमीटर से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटन एक्सटेंशन जोन की रेखा किस रंग की होती है, तो वो लाल रंग की होती है जो रिले रेस में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है क्रिकेट पिच की सेंटर से बाउंड्री लाइन की दूरी कम से कम कितनी होती है, तो अधिक से अधिक 75 गज होती है, कम से कम 65 गज होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई खिलाड़ी प्रशिक्षक की देख रेख में सीखे हुए कौशलों का अभ्यास करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो ग्रूविन द स्ट्रोक उसको बोला जाता है। एंड 90 क्वेश्चन कहाँ है, कैंप के लिए जगह का चुनाव करते समय आप किस चीज को ध्यान में रखेंगे, तो कैंप हमेशा जगह प्राकृतिक तथा कैंप का जो जगह होना चाहिए हमेशा प्राकृतिक और शहर से दूर होना चाहिए,
ऑप्शन नंबर 3 राइट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शरीर में खेल प्रणाली वो लाने का श्रेय किसको हो, तो शिक्षा में, शरीर में नहीं, शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसको है, तो खेल विधि के जनक हैं कालवेल कुक, जबकि किंडरगार्टन पद्धति किसने दिया है, प्रयोग किसने किया, फ्रॉवेल ने, लेकिन खेल प्रणाली की बात कहेगा तो कालवेल कुक हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट है माइकल जॉनसन किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो माइकल जॉनसन जो है वह संबंधित हैं एथलेटिक्स से। नेक्स्ट है दोस्तों वॉलीबॉल में एंटीना क्या रंग होता है, तो एंटीना का रंग लाल और सफेद होता है, जो 180 मीटर होता है, तो जो 1 मीटर होता है वो नेट में होता है और 80 सेंटीमीटर बाहर ऊपर एंटीना नेट के ऊपर होता है, जो लाल और सफेद रंग में 10 मीटर लाल, 10 सेंटीमीटर लाल और 10 सेंटीमीटर सफेद रंग में रंगा होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल खेल में 10 मिनट का खेल समाप्त होने पर विश्राम का समय कितना होता है, तो 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, 10, 2, 10, फिर 15 मिनट का मध्यांतर, फिर 10, 2, 10, तो 10 मिनट के समाप्त होने के बाद कितना विश्राम होता है, 2 मिनट का, कितना होता है, 2 मिनट का। नेक्स्ट है 110 मीटर हर्डल यानी बाधा दौड़ में प्रारंभिक रेखा से प्रथम हर्डल की दूरी कितनी होती है, तो 13.73 मीटर होती है, और जबकि 100 मीटर में कितना होता है, 13 मीटर। एंड 400 मीटर पुरुष महिला दोनों के लिए 45.45 मीटर, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम किस समाचार पत्र द्वारा खेल समाचारों को प्रकाशित किया गया था, तो वो है पायनियर, क्या है, पायनियर। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला की शुरुआत कब हुई, 7 मई 1961 को इसकी स्थापना हुआ। एंड ये 97 क्वेश्चन है, 98 क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ है। क्वेश्चन है प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ किसने किया था, तो यूनानियों ने किया था, याद रखिएगा, ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में शुरुआत हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि पोल वाल्ट में यानी बास कूद में क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है, तो जो क्रॉस बार होती है इसमें 4.50 मीटर होती है, याद रखिएगा। एंड जो वजन होता है 2.25 केजी होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है, खेल प्राधिकरण का उद्देश्य है शारीरिक शिक्षा देना, यांत्रिक कौशल देना, युक्ति कौशल देना, उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों V.S. चौहान किस खेल से संबंध रखते हैं, तो V.S. चौहान जो है वो डेका सलाम से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो वो है क्रिकेट से। नेक्स्ट है प्रेशर ट्रेनिंग के आविष्कार किसने किया था, प्रेशर विंटरबॉटम ने किया। रोहिंगटन बारिया ट्रॉफी दी जाती है, तो किसमें दी जाती है रोहिंगटन बारिया ट्रॉफी, तो क्रिकेट में। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास की 12 से 18 वर्ष की अवधि को कहते हैं किशोरावस्था। नेक्स्ट है बेटन का प्रयोग किस खेल में होता है, तो रिले रेस में होता है। नेक्स्ट है वॉलीबॉल में स्थानापन्न खिलाड़ी कितने होते हैं, तो 6 खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं और 6 स्थानापन्न होते हैं। 160 क्वेश्चन, अब 8 क्वेश्चन कहाँ गया, यहाँ है। क्वेश्चन है कि कई पिरामिडों को मिलाकर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और बीच में अच्छा खिलाड़ी होता है, यह कौन सी विधि होती है, तो जो चैलेंज टूर्नामेंट होता है उसके लेडर टाइम एंड स्पाइडर वेब विधि दो होता है, तो वो स्पाइडर वेब विधि होता है जो एक मकरे के जाल के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है, तो शूटिंग यानी निशानेबाजी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट शारीरिक शिक्षा शिक्षण के किस साधन द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है, तो मॉडल, किसी मॉडल को देख कर ही होता है। नेक्स्ट अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित हैं, तो अंजू बॉबी जॉर्ज जो है वह एथलेटिक्स से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन हैं, तो विश्व में बात करें तो जिम लेकर हैं और भारत में बात करें तो अनिल कुंबले हैं।
नेक्स्ट भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, आप सबको पता है हॉकी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी खिलाड़ी के जोड़ों में या संपूर्ण शरीर में दर्द हो रहा हो तो कौन सा उपचार अच्छा होता है। तो संपूर्ण शरीर में दर्द को ख़त्म करने के लिए स्टीम बाथ यानी भाप हिस्सा देना ज़्यादा अच्छा होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है धमनी के अंदर कौन बहने वाले रुधिर का रंग कैसा होता है। तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है जिसका रंग लाल होता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी जो होता है फेफड़ों में अशुद्ध रक्त लेके जाता है शुद्ध करने के लिए, तो पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि सीना में अशुद्ध रक्त बहता है लेकिन पल्मोनरी सीना में शुद्ध रक्त बहता है, याद रखिएगा ये अपवाद है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। तो दोस्तों चेचक, खसरा ये वायरस से होता है, ये तो विषाणु जनित ही है। इन्फ्लुएंजा एंड एड्स ये भी होता है आपका विषाणु यानी वायरस से। रेबीज या पोलियो भी होता है वायरस से, बट यहाँ पे क्षय रोग यानी कि टीबी और टिटनेस जो है दोनों बैक्टीरिया से फैलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस राज्य सरकार द्वारा 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी की जाएगी। तो किस राज्य सरकार द्वारा की जाएगी 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी, तो वो होगा आपका गुजरात के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वासीउर्कर रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो क्वासीउर्कर मरास्मस से दोनों रोग होता है प्रोटीन की कमी से, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियों को सुदृढ़ और सुडौल रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो व्यायाम करना। नेक्स्ट है मोच के तुरंत उपचार के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो मालिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल में विरोधी टीम को प्रत्यक्ष किक कब नहीं दी जाती है, तो धक्का देने पर, विरोधी को मारने पर, विरोधी के ऊपर कूदने पर दिया जाता है, बट अनजाने में बाल छू जाने पर नहीं दिया जाता है प्रत्यक्ष किक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई खिलाड़ी चलता है और तो चलते समय हाथों और पैरों में होने वाली क्रिया को कौन सी गति कहते हैं, तो उसे कोणीय गति कहते हैं, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोबिक सहन शक्ति वाले व्यायामों में आवश्यक है क्या है। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया, तो ऑक्सीजन आवश्यक होता है। एंड नेक्स्ट है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो वो है प्रकाश पादुकोण। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टीएसिन या लाइपेज वसा को ग्लिसरीन के रूप में कहाँ पर परिवर्तित करता है, तो ये आपका एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन ये होता तो है अग्नाशय में, बट आके मिलता है छोटी आंत के डोडिनम में, जहाँ पे ये परिवर्तित करता है बाइल यानी कि पितरस के साथ मिलकर के वसा को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में, तो यहाँ पे छोटी आंत आपका राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सारे शिक्षा की शुरुआत किसने किया था, तो आप को सबको पता है 1920 में YMCA की स्थापना किया था डॉक्टर SC बक ने, हैरी क्रूबक ने, इन्हीं को भारत में सारी शिक्षा का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो हमारे निचले जबड़े की मैंडिबल हड्डी होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डी का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है, तो कैल्शियम के कारण। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन अवार्ड कब प्रारंभ किया गया, तो 1961 में। नेक्स्ट है वॉलीबॉल में दोनों पोलों के बीच की दूरी कितनी होती है, जैसे कि वॉलीबॉल ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई होती है 18x9 मीटर, तो जो सेंटर लाइन 9 मीटर की होती है तो उससे 1 मीटर दोनों तरफ दूर पोल गड़ा जाता है, तो 9 2 कितना हो गया 11 मीटर होती है, तो दोनों पोलों के बीच की दूरी कितना हुआ 11 मीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है, तो कैल्शियम फास्फेट होता है। एंड नेक्स्ट है किस देश ने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप 2022 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता है, वो है इंग्लैंड। कौन है? इंग्लैंड। नेक्स्ट है दोस्तों लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कब प्रारंभ हुआ, तो 1957 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में यह शुरू किया गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने मीटर की दौड़ में हिट्स की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि 3 कमांड दिए जाते हैं किसमें, स्प्रिंट दौड़ों में 100 200 400 मीटर, ऑन योर मार्क सेट एंड गो,
यहाँ पे हिट्स 100, 200, 400 मीटर में होती है, बट 10,000 मीटर में हिट्स की आवश्यकता नहीं होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र कौन सा है? तो यह स्फिग्नोमैनोमीटर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 136 क्वेश्चंस यहाँ पे है। क्वेश्चंस है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स सूखा रोग हो जाता है। एंड नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सेवा योजना नेशनल सर्विस स्कीम NSS की स्थापना कब हुई थी? शुरुआत कब? 1969 में हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उड़न सिख किस को कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को भारतीय उड़न सिख कहा जाता है, और उड़न परी कहा जाता है पीटी उषा को, एंड ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है हिमा दास को। नेक्स्ट है, 28 जुलाई से 18 अगस्त 2022 राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था आपका कहाँ पे हुआ था? 2022 का बर्मिंघम इंग्लैंड में। तो उसमें भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा दोस्तों? उसमें भारत का पदक तालिका में चौथा स्थान रहा। कौन सा स्थान रहा? चौथा स्थान रहा। लेकिन याद आपको करना है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब कहाँ हुआ था 2022 का? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुआ था प्रथम? तो 1930 हैमिल्टन कनाडा में। एंड 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कब होगा? 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। एंड इसमें भारत का 2022 में स्थान था चौथा स्थान, एंड पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का, दूसरा इंग्लैंड का, तीसरा कनाडा का, तब भारत का चौथे स्थान पर था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1985 में स्थापित किया गया, जो एक कोच को, प्रशिक्षक को दिया जाता है। नेक्स्ट है, किस रोग से शरीर के अंग सूजकर मोटे हो जाते हैं? तो फाइलेरिया में। नेक्स्ट, खो खो में स्वतंत्र क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों? तो पहले आपका 275 होता था, अब वर्तमान में अब उसका नया रूल के हिसाब से 1.5 मीटर होता है स्वतंत्र यानी फ्री जोन का चौड़ाई। एंड नेक्स्ट है, रक्त में यूरिया की वृद्धि किस अंग के विकार यानी खराब होने से होता है? गुर्दे यानी किडनी के खराब होने से। एंड नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब स्थापित किया गया, प्रारंभ किया गया? तो 1991-92 में किया गया, जिसका अब नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जो देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो में एक पारी में कितना समयावधि होता है? तो 9 मिनट होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 146 क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ है कि ओलंपिक खेलों में महिलाओं की प्रतियोगिता का स्वीकार किया गया था? तो सबसे पहले महिलाओं ने भाग लिया था 1900 पेरिस फ्रांस में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। एंड नेक्स्ट है, वॉलीबॉल में महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 2.24 होती है, जबकि पुरुषों के लिए 2.43 मीटर होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खेल का मनोरंजन सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड केम्स एंड GW पैट्रिक ने दिया था, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है। एंड नेक्स्ट है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इस बात को कहे हैं अरस्तु जी ने, आप सबको पता है। तो दोस्तों ये था आपका 5वां मॉडल सेट, मॉडल प्रैक्टिस सेट। इसके पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है, कोशिश करूँगी कि और भी 2-4 अपलोड कर दूँ। तो इसी तरह आप लास्ट में इस सबको देखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।